भी कहा जाता है इंग्लिश में। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप से अभिप्राय किसी सांख्यिकी श्रृंखला के केंद्रीय मूल्य या प्रतिनिधि मूल्य से है। मतलब केंद्रीय मूल्य वो होता है कि सभी आंकड़ों का रुझान किस तरफ है, कौन सा ऐसा पॉइंट है जो बार बार रिपीट हुआ है, जिसकी जो बारंबारता है, बारंबारता मतलब किसी पॉइंट का बार बार रिपीट होना, वो बारंबारता कहलाता है कि वह संख्या कितनी बार आई। तो यहाँ पर हमारे कोर्स में है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के तीन प्रकार, जो कि हम देखेंगे, समांतर माध्य जिसे मीन कहा जाता है, माध्यक जिसे मीडियन कहा जाता है, और बहुलक जिसे मोड कहा जाता है। इन तीनों ही टॉपिक में तीन प्रकार से, जैसे समांतर माध्य तो उसे भी तीन प्रकार के आंकड़ों से कैसे निकाला जाता है, माध्यक है तो उसे भी तीन तरह से कैसे निकाला जाता है, और बहुलक को भी, यह हम तीनों का अलग अलग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम समांतर माध्य देखते हैं। समांतर माध्य में तीन तरह के आंकड़े दिए होते हैं, उनका हमें समांतर माध्य निकालना होता है। पहला होता है इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत, हिंदी में कहा जाता है व्यक्तिगत आंकड़े, मतलब एक एक जने का दिया हुआ है, एक एक व्यक्ति का आंकड़ा दिया हुआ है। दूसरा होता है डिस्क्रीट मतलब खंडित श्रेणी में, खंडित श्रेणी मतलब एक सीक्वेंस नहीं है इसका, कुछ क्रम नहीं है, खंडित मतलब कोई सा भी आंकड़ा कभी भी हुआ आया हो, इस तरह की खंडित श्रेणी में डिस्क्रीट कहलाता है। तीसरा होता है कंटिन्यूस मतलब सतत, कंटिन्यूस सतत श्रेणी। राजस्थान बोर्ड के 10वीं में अधिकतर सतत श्रेणी वाले सवाल पूछे जाते हैं। तो अब हम इस समांतर माध्य को तीनों प्रकार से किस तरह से निकाला जाता है ये हम सीखेंगे। सबसे पहला देखते हैं हम व्यक्तिगत इंडिविजुअल आंकड़े दे रखे हैं, जैसे कि आपको दे दिया गया है 3, 4, 2, 5, 6 का समांतर माध्य ज्ञात करो, इस तरह का सवाल आता है। तो अब इसमें कोई हमें श्रेणी नहीं दी, व्यक्तिगत आंकड़े दिए कि हमने एक एक व्यक्ति से पूछ लिया, जैसे एक कक्षा में छात्र हैं तो वो किस उम्र के हैं, तो ये हमने उनके आंकड़े उम्र पूछी और लिख दिए, तो ये व्यक्तिगत आंकड़े कहलाते हैं। अब इसका समांतर माध्य निकालना है, मीन हमें निकालना है, तो इसका सूत्र हो जाता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग, तो यहां हम आंकड़े देखते हैं, हमें दिए हुए हैं 3 + 4 + 2 + 5 + 6, अब इनकी संख्या कितनी है, तो 1, 2, 3, 4 और 5, मतलब आंकड़ों की संख्या कुल मिला के 5 आंकड़े हैं, उनका योग हमने निकाला है, और उसमें जितनी इनकी संख्या है 5 है तो 5 का भाग दे देंगे। इनका हम योग देखते हैं तो ये आता है 20, 20 में 5 का भाग दिया तो ये आ गया हमारे पास 4। तो व्यक्तिगत आंकड़ों में समांतर माध्य निकालना बहुत ही आसान है, सूत्र होता है समांतर माध्य का आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, तो ये हमने आसानी से निकाल लिया। अब हम दूसरा देखते हैं, दूसरा इसकी जो समांतर माध्य ज्ञात करने की विधि है, यदि आंकड़े हमें डिस्क्रीट टाइप के दिए हों, खंडित श्रेणी में दिए हों, डिस्क्रीट या खंडित श्रेणी, तो ये देखते हैं, जैसे कि एक्स और एफ का मान दे दिया जाता है डिस्क्रीट में, तो ये सारणी आपको दे दी जाएगी और इसका समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, इस तरह से दे देंगे। एक्स मतलब मध्यमान होता है और एफ होती है बारंबारता, यहां एफ से मतलब है बारंबारता, फ्रीक्वेंसी जिसे कहा जाता है, एक्स है मध्यमान। अगर ये श्रेणी आपको दे दी जाती है, एक्स का मान दे दिया, एफ का मान दे दिया, तो ये डिस्क्रीट टाइप कहलाती है माध्य निकालने की। ये जैसे आपको दिया है 2, 3, 4, 6, 9, बारंबारता दी है 3, 8, 1, 5, 6। अगर इस तरह की श्रेणी दी है और आपको समांतर माध्य इसमें निकालना है, मीन आपको ज्ञात करना है, तो यहाँ एक और कॉलम बनेगा जिसको हम एफ और एक्स का गुणा। तो यहां पर मीन समांतर माध्य का सूत्र हो जाता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा से यहां होता है इनका योग,
पूरा जो ये श्रेणी आएगी उसका योग सिग्मा से प्रस्तुत किया जाता है। ये जो चिन्ह बनाया है उसे सिग्मा कहते हैं। एफ एक्स, एफ में एक्स का गुणा, तीन का दो में गुणा करा छः, आठ का तीन में 24, चार का एक में 4, छः का पाँच में 30 और ये 54। अब इसका हम यहाँ जोड़ कर लेते हैं सिग्मा एफ, सिग्मा एफ का मान आएगा, इसे जोड़ेंगे 17। सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स को हम यहाँ जोड़ लेते हैं, इन पूरे आंकड़ों को जोड़ने पर आता है हमारे पास 100। सिग्मा एफ एक्स का मान इन्हें जोड़ के निकाला हमने 100 और सिग्मा एफ का मान हमारे पास आया है 17। सिग्मा एफ एक्स मतलब इसका जोड़ यह आया हमारे पास 100। इस श्रेणी का एफ एक्स का जो गुणा करा था एफ में एक्स का, इनका पूरा योग है 100 और सिग्मा एफ बारंबारताओं का योग आया है 17। 100 में 17 का भाग देते हैं हम तो हमें मिलता है यहाँ 5.8। तो ये है डिस्क्रीट टाइप के जो आंकड़े दिए हैं उनका समांतर माध्य निकालना। और अब हम अगला देखते हैं सतत, कंटिन्यूस श्रेणी जो देते हैं उसका। सबसे अधिक बोर्ड एग्जाम में सतत श्रेणी से आंकड़े का समांतर माध्य निकालना पूछा जाता है, वो अब हम देखेंगे। तीसरा हम देखते हैं सतत श्रेणी का समांतर माध्य निकालना। अब जैसे कि सवाल, इसी तरह के सवाल अधिकतर टेक्स्ट बुक में हमें दिखेंगे जब हमें वर्ग अंतराल दिया हो। वर्ग अंतराल जिसे इंग्लिश में क्लास इंटरवल CI से प्रस्तुत किया जाता है और बारंबारता दी गई, बारंबारता जिसे फ्रीक्वेंसी F से प्रस्तुत किया जाता है। ये आंकड़े हमें दिए हैं जैसे कि वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ये सतत किस तरह से होते हैं, 0 से 10 और उसके बाद वही श्रेणी कंटिन्यूस लगातार चल रही है 10 से 20, 20 के बाद 20 से 30। तो 0 से 10 है मतलब यहां भी 10 काउंट हो रहा है और यहां भी 10 शामिल है, ऐसा नहीं होता। 0 से 10 तो ये 0 से 9.9 तक के आंकड़े आ गए और फिर 10वां जो है वो आगे की सीरीज में शामिल हो जाता है। इस तरह से इनको बंटवारा किया जाता है ताकि एक भी नंबर छूटे नहीं, एक भी जो आंकड़ा है वो किसी ना किसी ग्रुप में शामिल हो जाए, तो यह सतत श्रेणी कहलाती है। अब इसकी बारंबारता हमें दी है 5, 4, 2, 8 और 3। इसका हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है। इस तरह से सवाल हमारे पास आते हैं, इस तरह का सवाल हमें दे दिया जाता है, ये श्रेणी आएगी। समांतर माध्य निकालने के लिए ये दो कॉलम हमें दिए गए हैं। अब इसमें हमें सबसे पहले तो F दिया है तो X निकालना होता है, X जिसे मध्यमान कहा जाता है। X ये जो वर्ग अंतराल है इसके दोनों बिंदुओं को जोड़ के उसमें 2 का भाग दे दिया जाता है तो इसका मध्यमान आ जाता है। जैसे 0 में 10 जोड़ा जाएगा तो 10, 10 में 2 का भाग दे देंगे तो ये आ जाता है 5, 10 में 20 जोड़ा जाए 30, 30 में फिर 2 का भाग दे दिया तो 15। इस तरह से हम देखते हैं कि मध्यमान में भी एक फिक्स सिक्वेंस चलती है, 5 के बाद 15 आया तो 15 के बाद 25, 10 10 का डिफरेंस चलता जाएगा, 25 के बाद 35 और ये 45। और यहां से भी आप ये जोड़ देखेंगे, 40 को 50 में जोड़ा 90, 90 में 2 का भाग दे देंगे तो 45। तो ये हमारे पास मध्यमान आ जाते हैं इस तरह से। अब इसमें वही जो इससे पहले वाले सवाल में हमने करा था एफ एक्स, एफ बारंबारता और एक्स मध्यमान, इन दोनों के मानों का गुणा करते हैं। 5 का 5 में गुणा करा यह आया 25, 15 का 4 में गुणा करा 60, 25 दुनी 50, 35 का 8 में गुणा करते हैं 280, 45 में 3 का गुणा करते हैं तो 135। अब सूत्र वही लगेगा इसमें भी, सिग्मा एफ एक्स मतलब इस पूरे कॉलम का योग। तो सिग्मा एफ एक्स हम यहाँ जोड़ के देखते हैं, ये आ रहा है हमारे पास 550। सिग्मा एफ बारंबारताओं का योग, ये हमारे पास आ रहा है 22। तो समांतर माध्य इसमें हम निकालेंगे जिसे एक्स बार से प्रस्तुत किया जाता है, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स का मान हमने निकाला 550, सिग्मा एफ का मान आया है 22, बारंबारताओं का योग सिग्मा एफ। 550 में 22 से भाग देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 25। अब यह उत्तर सही है या गलत इसकी जांच भी हम कर सकते हैं।
यह हम आंकड़े देखते हैं 0 से लेके 50 तक। 0 से 50 का मध्य बिंदु हम निकालेंगे, सबसे लोएस्ट पॉइंट सबसे हाईएस्ट पॉइंट देखते हैं 0 से 50, तो इसका मध्य बिंदु आता है 25। मतलब हमारा जो माध्यक है वो 25 के लगभग बराबर आना चाहिए। यहाँ पूरा 25 आया है तो ये बिल्कुल करेक्ट है, 25 के लगभग आसपास का ही मान जो है वो हमारा माध्य होगा। धन्यवाद।